ग्राउंड से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तारिक शाल जी। अगर बात करें तो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील थन्ना मंडी के पंगाई एरिया में जिस तरह से गन फाइट जारी है, तीसरा दिन है और हम अपडेट लेना जा रहे हैं। जी बताइए। जी नमस्कार जी राकेश जी, इस वक्त हम आपको थन्ना मंडी के बंगाई इलाका और देरागली इलाका से अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ताजा तरीन सूरत हाल से अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। तो राकेश जी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि तीन दिन कबल पुंछ के चमरेड़ इलाका, पुंछ का जो चमरेड़ इलाका है और राजौरी का देरागली और बंगाई जो इलाका है इसकी सरहद पर वाका है, तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान जो है मार्का आराई शुरू हुई, तो जिसमें हमारी फौज की तरफ से जो है एक जेसीओ समेत चार अफराद जो है वो जहां बाक हुए, तो तब से आज जो तीसरा दिन है तब से आज तक जो है वहां पर तलाशी मुहिम भी जारी है और इस वक्त तक जो है वो एनकाउंटर जो है वो वहां पर जारी है। तो उसके बाद जब मार्का आराई हुई चमरेड़ इलाका में, तो उस वक्त जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने थन्ना मंडी के जो इलाका देरागली और बंगाई इलाका है वहां पर जो है अपनी वहां पर जो है वो पना ले ली। तो आज तीसरा दिन है बंगाई में, कल से भी और आज से भी वहां पर तलाशी मुहिम भी जारी है और कार्डन भी जो है वो आर्मी और फौज की तरफ से, पुलिस की तरफ से वहां पर जारी है। तो कल भी पूरा दिन जो है पुलिस और आर्मी वहां पर, आर्मी के ऑफिसर भी वहां पर मौजूद रहे और आज भी इस वक्त तक वहां पर तलाशी मुहिम जो है वो जारी है। जी राकेश जी। जी तारिक जी, अगर बात करें तो जिस तरह से तीन दिन हुए हैं गन फाइट जारी। जी 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 राकेश जी, हम आपको बताना चाहेंगे, अपने नाजरीन को भी बताएंगे कि आज रात भी वहां पर जो है फायर चलते रहे हैं और सुबह भी फायरिंग जो है वो चली है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज की इतला के मुताबिक वहां से तीन से चार जो है मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन सरकारी जराये से अभी तक इस हवाले से कोई भी जो है वो बयान जारी नहीं हुआ है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार सिक्योरिटी फोर्स हमारी जो है तीन दिन हो गए गन फाइट और कार्डन सर्च ऑपरेशन किए हुए और ये कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि तीन से चार आतंकी हो सकते हैं, तो क्या आतंकी जवाब दे रहे हैं गोलाबारी का? राकेश जी हम ये बताना चाहेंगे कि जो चमरेड़ इलाका है और बंगाई और देरागली का इलाका है ये काफी दूर दराज इलाका भी है और जंगल एरिया है, तो वहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कॉर्डन भी लगाया, सर्च ऑपरेशन भी जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक कल तो जो पुलिस की तरफ से जो इतला मिली थी उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है मिलिटेंट्स का और आर्मी के दरमियान, फौज के दरमियान जो कॉन्टैक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन इस वक्त तक अभी कोई भी इतला जो है मौसूल नहीं हुई है। तो कार्डन वो भी जारी है और तलाशी मुहिम भी वो इस वक्त तक वो चल रही है। जी तारिक जी, अगर बात करें तो इस समय भी क्या गन फाइट इस समय जारी? जी जी, अभी अभी जो इस वक्त फायरिंग की आवाज जो है वो नहीं आ रही है, लेकिन सुबह से बड़े बड़े फायर भी हुए हैं और आर्मी की तरफ से जो है वो फायर किए हैं, लेकिन अभी तक मुतबादल तौर पर जो है फायर सुनने में नहीं आया है। जी तारिक जी, अगर बात करें तो उस समय ग्राउंड में जो है वो कहीं छिपे होने की उनकी शंका और हमारी सिक्योरिटी फोर्स लगातार उन्हें कार्डन सर्चिंग करके जो है ढूंढ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सिक्योरिटी फोर्स जो है, पुलिस जो है वहां पर, एसएसपी राजौरी और सीनियर ऑफिसर डीआईजी राजौरी भी वहां पर कैंप किए हुए हैं और बिल्कुल मैंने आपको इससे पहले भी जिक्र किया है कि ये काफी जंगल, घने जंगल मौजूद है जहां पर जंगजुओं का जो है वो छुपना बिल्कुल आसान तरीका है, वहां पर आराम से वो छुप सकते हैं, लेकिन कार्डन और सर्च ऑपरेशन वो जारी है, लेकिन दस्तूर हमारी सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बिल्कुल अलर्ट है और किसी भी किस्म की चूक जो है वो मिलिटेंट्स को भागने के लिए नहीं देगी और कार्डन वगैरह वगैरह देरागली बिल्कुल जारी है। जी ये तो हमारे साथ ग्राउंड से अगर बात करें तो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दी कि किस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्स लगातार जो है कार्डन सर्च ऑपरेशन करती हुई और पूरी निगाहें बनाई हुई कि कहीं से भी कोई आतंकी अगर मिलता है तो उसे दर्द पहुंचेंगे, और खासकर अगर बात करें तो कार्डन सर्च ऑपरेशन जारी, आज तीसरा दिन है और जो कि गन फाइट की बात करें तो दिन सुबह भी फायरिंग की जो आवाज आई और खासकर हमारी सिक्योरिटी फोर्स भी लगातार उन्हें फायरिंग का जवाब दे रही है और कहीं ना कहीं जो है वो कार्डन सर्च ऑपरेशन इस समय जारी।